दोस्तों, एक लड़का 302 की जेल के अंदर सजा काट रहा था और उसे साथ में 76 भी लगा हुआ था। तो कहते हैं कि जो मर्डर करके जाता है तो लोग उसकी सराहना करते हैं, और जो गलत काम करके जाता है 76 वगैरह, तो उसे लोग बहुत परेशान करते हैं। तो उस लड़का को बहुत लोग परेशान करते थे, लेकिन उस जेल की जो महिला जेलर होती हैं वो एक दिन मुआयना करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए जाती हैं। तो वो लड़का परेशान था और बताया किसी ने कि इस पर बहुत मार पड़ती है, इसने बहुत गलत काम किया है। तो महिला जेलर जो होती हैं, जब उसके सामने पहुंचती हैं, तो देखती हैं, देखने के बाद मौन रह जाती हैं। लेकिन जैसे ही उस लड़के की नज़र उस महिला जेलर पर पहुंचती है, तो उसके आंसू गालों पर लकीर बनाते हुए ज़मीन में समाने लगते हैं, और वो हाथ जोड़ करके गिड़गड़ाने लगता है, रोने लगता है, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज नहीं आती। दोस्तों, जब वो महिला जेलर देखती हैं तो तुरंत अपने ऑफिस में आ जाती हैं। दोस्तों, कहानी बड़ा ही रोमांटिक है। वो लड़का कोई और नहीं होता, जो महिला जेलर होती हैं उनका ही तलाकशुदा पति था, जिसका नाम था जय, और जो उनकी पत्नी थी जेलर उनका नाम था सुलेखा। दोस्तों, बड़ा ही इंटरेस्टिंग कहानी है। कहानी को सुनेंगे तो आप समझेंगे आखिरकार एक पत्नी ऐसी है जो पति गलत काम करते हुए भी सबक सिखाया। दोस्तों, कहानी में आप बने रहिए, थोड़ा समय निकाल करके अवश्य हमारी कहानी, केवल 10 मिनट का समय निकालिए और कहानी पूरी अवश्य सुनिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, सुलेखा ये बहुत होशियार लड़की थी, पढ़ने लिखने में खूब माहिर थी, और ये बिहार प्रदेश की और बक्सर जिला की कहानी है। दोस्तों, सुलेखा अपने माता पिता की दो बहनें थी, इसका भाई कोई नहीं था, लेकिन पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी, चतुर थी, बहुत सुंदर भी थी। लेकिन जो सुलेखा एक गांव का ही लड़का था, दूसरे मौजा का लड़का था, वो भी इसके साथ ही पढ़ता था, तो कभी वो इसकी कापी ले लेता था कॉलेज में, कभी वो कापी ले लेता, ऐसे करके काम चलता था, एक दूसरे का ऐसा होता है कॉलेज में। लेकिन किसी ने सुलेखा के माता पिता को बता दिया कि तुम्हारी बेटी उस लड़का से बहुत ज़्यादा हित करती है, लेकिन वो इस प्रपंच में नहीं थी जो उसके माता पिता समझते थे। माता पिता ने सोचा शायद कहीं मेरी नाक न कटा दे, लड़की है, तो उसने एक 10 किलोमीटर दूर जाकर गाँव में एक लड़का सुंदर देखा, जिसका नाम था जय, और उससे रिश्ता तय कर दिया। सुलेखा के न चाहते हुए भी उसका विवाह करने की तैयारी उसके माता पिता ने कर ली। दोस्तों, सुलेखा ने एक शर्त रखी, मैं कुछ भी करूं लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी, चाहे मायके रहूं चाहे ससुराल रहूं, मेरा अधिकारी बनने का सपना है। दोस्तों, लेकिन मायके वाले जो होते हैं वो अपनी इज्जत के हिसाब से उसका विवाह कर देना चाहते थे, कहीं इसका गलत कदम न उठ जाए। लेकिन ससुराल में जब देखा है कि लड़का उतना पढ़ा लिखा नहीं है, सास ससुर पढ़े लिखे नहीं है, पढ़ने की उन्हें कोई अहमियत मालूम नहीं थी। दोस्तों, सुलेखा का विवाह हो जाता, सुलेखा ससुराल आती है, पढ़ाई लिखाई करती है, लेकिन ससुराल वाले पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्हें कोई मालूम नहीं होता कि पढ़ाई लिखाई होती क्या है। दोस्तों, इसके बावजूद सुलेखा अपना पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा ध्यान देती थी, क्योंकि उसे अधिकारी बनने का बहुत बड़ा शौक था। दोस्तों, इसके चलते कभी काम पिछड़ जाता था, कभी कुछ, तो सास भी गालियां देती थी, ससुर भी बुरा भला कहने लगता था, लेकिन पति भी कभी कभी उसे चांटे मार दिया करता था। जय उसे मार देता था, पढ़ा लिखा कम था, लेकिन वो ये कहती थी कि हमें पढ़ने दो, मैं कुछ बन करके दिखाऊंगी, मैं कुछ काम करके दिखाऊंगी, ताकि आपका नाम रोशन हो जाए। लेकिन इस पर वो लोग कोई तवज्जा नहीं देते हैं, आए दिन उसे टॉर्चर करते रहते थे, लेकिन वो पढ़ाई लिखाई करती थी। एक दिन जय जो उसका पति होता है, शराब पी करके आता है, उसके साथ गंदी हरकत करता है और उसे इतना पीटता है कि उसे बेहोश कर देता है। दोस्तों, जब उसे होश आता है तो उसने सोचा हमारी जिंदगी तो वैसे ही तबाह हो रही है, मेरे कोई भाई नहीं है, केवल एक बहन है, पिता है। तो अपने पिता को फोन करती है और कहती है, पिताजी अब इस घर में नहीं रहना है, मुझे यहाँ से बुला लो, मुझे अगर जीवित चाहते हो तो आज चले आओ, या फिर मेरी डेड बॉडी ही तुम्हारे पास आएगी। दोस्तों, पिता को बच्चा कैसे भी हो प्यारे होते हैं, पिता बेचारे जाते हैं अपनी बेटी को घर बुला लाते हैं, बुलाने के बाद लेकिन
उसने जो बात थी सब माता पिता को बताई, मुझे पढ़ना है, मुझे अधिकारी बनना है। लेकिन इसके बावजूद दोस्तों होता यह है कि वो लड़की बहुत होशियार थी, पढ़ने में काम करती है, लेकिन उसका पति रोजाना परेशान करता था, कॉल करता था, लड़कियों को फोटो दिखाया करता था मोबाइल पर। लेकिन लड़की तंग होकर के उससे डिवोर्स ले लेती है। डिवोर्स लेने के बाद अपन स्वतंत्र होकर के पढ़ाई करती रहती है, पढ़ाई करती है दोस्तों। लेकिन कहते हैं कि भगवान जिसकी मदद करता है तो कहीं से भी कर सकता है, किसी जगह से मदद कर सकता है। लेकिन पढ़ने के बावजूद इतनी होशियार थी कि उसका जेल पुलिस में नंबर आया और वो जेलर बन जाती है दोस्तों। सुलेखा जेलर बन जाती है और जेलर बन करके और एक जेल में तैनात होती है, अपना काम करती है। उसने अपनी पढ़ाई का पद था, हक था, वो पा लिया दोस्तों। इसके बाद में जो उसका पति था जय, अब तो शराब पीता है, जुआ खेलता है और राजनी करता है और चोरी भी करता है दोस्तों। जय उसके दोस्त थे, बियर पीता है, शराब पीता है, लड़कियों को छेड़ता था, अयासी करता था, वो गलत काम में फंस गया दोस्तों। एक दिन जय और उसका एक साथी, एक रक्षाबंधन का त्यौहार था तो महिलाएं देखा होगा कि अपने वस्त्र आभूषण ज्वेलरी पहनकर मैके जाती है। तो एक महिला अपने पति के साथ अपने मैके जा रही थी, लेकिन जय और उसका साथी अनुज साथ थे, उन्होंने देखा कि इस महिला के पास काफी जेवर है, तो इससे जेवर छीन लिया जाए तो कुछ समय काम चल जाएगा दोस्तों। उसकी मोटरसाइकिल आगे जा रही होती है, पति पत्नी जा रहे होते न संकोच, लेकिन पीछे से ये दोनों, इसके हाथ में कमर पर तमंचा लगा हुआ होता है, उसका एक साथी होता है, वो बाइक चला रहा था दोस्तों, आगे जाकर के उन्हें रोक लेता है और उसकी चेन ज्वेलरी जो भी कुंडल वगैरह सब छीनना शुरू कर किया और करने के बाद उनका छीन लेता है। जो उस महिला का पति होता है वो थोड़ा दमदार था तो उन दोनों को ही एक बार को पछाड़ दिया, दोनों की मारपीट कर दी। लेकिन जय के हाथ में तमंचा था, उसका मित्र जमीन पर दबा हुआ था, तो उसका मित्र कहता है, मित्र बचाओ, अब का मेरी जान ही चली जाएगी। तो जय तमंचा लेता है और उसको गोली मार देता है, उस महिला के पति को। उसका पति उसी जगह तड़प तड़प के मर जाता है। दोपहर का समय था और उस महिला के साथ भी वो शराब के नशे में था, रेप भी कर देता है और मार लेकर के वहां से रपू चक्कर होने वाला था। लेकिन कहते हैं कि बचाने वाला भी कोई फरिश्ता होता है। उसी वक्त अकस्मात एक गाड़ी में 5-6 लड़के आ रहे थे, कहीं अपनी बहन को बुलाने जा रहे थे, तो उसका पति वो तड़प रहा था और उसकी सांसें अंतिम थी, उस महिला बेचारी गिड़गिड़ा रही थी। लेकिन इतने में वो दारू के नशे में थे, निकल नहीं पाए। जैसे ही उन्होंने देखा कि इन दो लड़कों ने अनहोनी की है तो वो गाड़ी से फौरन कूदते हैं और दोनों को पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद मारपीट करते हैं, तुरंत पुलिस को 100 नंबर पर फोन लगाकर पुलिस बुला देते हैं दोस्तों। उसका माल तो तुरंत ही वापस करवा देते हैं, लेकिन उसका पति दुनिया से चला जाता है। वो अपने पति की लाश पर बिलखती है और पुलिस इन्हें पकड़ लेती है, जय और उसके साथी अनुज को। पकड़ने के बाद जेल के अंदर लेकर के आती है और उसके एक तो 76 का मुकदमा लगता है, एक 3-2 का, एक चोरी की धाराएं, 3-4 मुकदमा दोनों पर लग जाते हैं और इन्हें जेल में डाल दिया जाता है दोस्तों। जेल में डालने के बाद होता यह है कि अब ये सजा काट रहे थे, कभी तो जाते हैं तारीख करने के लिए, सजा काट रहे थे और उसी जेल में इन्हें डाला गया जहां उनकी पत्नी स्वयं जेलर थी। जय की पत्नी सुलेखा जेलर थी, उसी में उसे डाला गया। सुलेखा कभी कभार जाती थी लेकिन सबसे नहीं मिलती थी। जब लोगों ने सुना, कहते हैं कि जो 76 वाला गलत काम करके जाते हैं तो और लोग उसे मारते हैं, पीटते हैं, परेशान करते हैं, तो भाई उसके साथ काम किया जाता था, काम करवाया जाता था, बर्तन धुलवाए जाते थे, मारपीट लोग करते थे, ये तो छनल टाइप का है, ये गलत काम करता है दोस्तों, ऐसा होता है। अब होता ये है कि एक दिन जो सुलेखा ने विचार किया कि आज जेल का मुआयना करके आएंगे, तो वहां पर जेल का मुआयना करने के लिए अपने साथियों के साथ वो महिला जाती है। सुलेखा जैसे एंट्री करती है तो सब लोग काम कर रहे थे और इसे लोग थप्पड़ घूंसा भी कर देते हैं, ये भी काम करता था, कहीं फुलवारी में पानी डालना है, कहीं सिंचाई करना है, कहीं घास गोड़ना है, ये काम उसके लिए था दोस्तों। इसके बाद में सुलेखा जब वहां पहुंचती है, क्योंकि वो अकेला लगा हुआ था, वो दो चार थे, और जैसे ही बराबर पर सुलेखा पहुंचती है, उसकी नजर उससे मिलती है,
तो सुलेखा मानो मौन रह जाती है, क्योंकि वो समझ गई ये मेरा पति है। और जैसे ही वो जय उसे देखता है तो उसकी गालों पर लकीर बनाते हुए आंसू जमीन में समाने लगते हैं। दोस्तों अब वो रोता है, गिड़गिड़ाता है, लेकिन कुछ बोलता नहीं है। और उस सबसे कहती है वो महिला कि अब सबकी छुट्टी है, कुछ मत करो, आराम करो, दोपहर ही हो चुकी है, हम कल मिलते हैं। जाकर के अपने ऑफिस में बैठती है। ऑफिस में बैठने के बाद और वही जो मुलजिम होता है जय, उसे अपनी ऑफिस में बुला लेती है। बुलाने के बाद अपने पास बैठी हुई होती है और वहाँ कुर्सी पर बैठा लेती है, सबको बाहर कर देती है। जैसे ही जय उसे देखता है तो आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं और पैर छूने के लिए झुकता है। वैसे ही वो अपना अलग कर देती है, नहीं पैर छूने की आवश्यकता नहीं है, आप वही जय हो, तुमने ऐसा क्या काम किया सो आपको जेल में आना पड़ा, आपने ऐसा गलत काम क्या कर दिया। जब वो फाइल देखती है तो उसमें धाराएं काफी थी, लेकिन जय बताने के काबिल नहीं था कि उसने क्या क्या किया है। जब फाइल के द्वारा उसने देखा, पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, आप तो सब कुछ सक्षम थे, मेरी कोई बात नहीं मानी थी, मुझे देखते हो, पढ़ाई लिखाई जब मैं करती थी तो आप पीटते थे, उस रात की याद करो जिस दिन तुमने मुझे पीट पीट करके बेहोश कर दिया था, मैं अपने घर चली गई थी, मैं गिड़गिड़ा रही थी, मेरे भाई नहीं है, सब कुछ तुम ही हो, तुम ही मेरे पति हो, तुम ही सब कुछ हो, आपने मेरी एक बात भी नहीं मानी थी, रोजाना मुझे टॉर्चर करते थे, आप वही जय हैं, अब बताइए आप क्या चाहते हो। तो वो कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, माफ करने के लिए क्या माफ किया जाए, एक महिला के सिंदूर को तुमने उजाड़ा है, तुमने उसे पति, तुमने उसका जेवर ज्वेलरी छीनी उसके बाद में, और आपने उसके पति को मारकर उसे विधवा बना दिया, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, चोरी की, तुमने बहुत गलत काम किया, सजा तो यह है कि तुम्हें फांसी दे दी जाए, लेकिन आपको सजा तो काटनी पड़ेगी, इसमें कोई रोक नहीं सकता, कोई भी हो कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने गलत काम किया है, तुमने ऐसा नहीं करना था, उसके पति को नहीं मारना था, चीज छीन ली तो छीन लेते। वो कहता है कि मेरे साथी को वो मार देता। बोले अगर तुम्हारी जेब से कोई पैसे छीने तो आप क्या करोगे, उसने कैसे कमाया होगा धन, कैसे क्या किया होगा, तुमने उसके बच्चों को अनाथ किया है, तुम एक दुराचारी हो, एक अत्याचारी हो, तुम्हें सजा तो काटनी पड़ेगी, सजा काटने के बाद ही आपका जो कुछ होगा वो निस्तारण होगा, अब इसमें मैं कुछ कर नहीं सकती, क्यों कि करने का हक भी हो, मैं तुम्हारी मदद करूं लेकिन मदद करने लायक नहीं हो, मैं भी एक दोषी ठहर जाऊंगी, लेकिन इतना तो मैं कर सकती हूँ जेल में रह करके आपको लोग परेशान नहीं करेंगे, इतना तो मैं कर दूंगी। लेकिन वो कहता है कि बस इतना ही कर दो और तो मैं कुछ कहने लायक नहीं हूँ, मैंने जो किया है उसका भुगतान मुझे भुगतना पड़ेगा। दोस्तों इसके बाद में सब लोगों से कहा जाता है कि इसे सजा न दी जाए, इसे ऐसे ही रखा जाए, क्योंकि सजा काफी है, बहुत पिट चुका है बेचारा, लेकिन ये नहीं कहा, और उसे ये भी कह दिया ये किसी को मत बताना कि ये मेरी पत्नी है, तुमने बता दिया तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। दोस्तों जब वो वहां रहता है, पत्नी जेलर है, तो समय के अनुसार कुछ रिहाएं होती जाती हैं, लेकिन मर्डर केस जो होता है उसने बलात्कार किया, सब धाराएं नहीं छूटती हैं, लेकिन एक दिन वो सोचता है कि अब कुछ नहीं है इस दुनिया में, पत्नी जेलर में एक मुलजिम होते हुए भी, तो एक दिन वो उसी जेल में अपनी आत्महत्या कर लेता है। आत्महत्या करने के बाद और हड़कंप मच जाता है जेल में कि एक मुलजिम ने अपनी आत्महत्या की है। जैसे ही वो महिला आती है, देखती है सुलेखा, तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और बेचारी कुछ नहीं कहती, क्योंकि उसके हाथ में कुछ नहीं था, उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, उसके माता पिता को उसकी डेड बॉडी दी जाती है। दोस्तों कहानी अगर हमारी अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्या सुलेखा ने अपना फर्ज अदा किया, कोई गलत काम तो नहीं किया, क्योंकि फांसी उसने लगाई तो उसका जुर्म था, क्योंकि वो कर भी क्या सकती थी, क्योंकि उसके पति के सिंदूर को छीला था, लेकिन ऐसे कसाई को, ऐसे अत्याचारी का तो ऐसा ही होना चाहिए। कमेंट करके अवश्य बताइए। अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें,
इस कहानी को सुनाकर किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, केवल आप लोगों को जागरूक और सचेत करने का मेरा उद्देश्य है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।